नमस्कार बंधुगण, मु हेमंत आपण मानक मोर ऑल इन वन बाय हेमंत रो यूट्यूब चैनल को स्वागत जनाऊँचि। बंधुगण, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बा एसबीआई पक्षर एक नूतन रिक्रुटमेंट नोटिफिकेशन आप्रेंटिस पदवी पई आसी जाय अछि, जो थ्रे सर्वमोट पदवी संख्या 8500 गोटी रही अछि। त बंधुगण, कौन रही वैकेंसी डिटेल्स, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन कौन आवश्यक रही, सिलेक्शन प्रोसेस कौन रहिबो, एज लिमिट कौन रहिबा आवश्यक, सैलरी बा दरमा आपमनकु केते मिलिबो, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन स्टार्ट डेट को डेट रहुछि, डिटेल्स मे वीडियो माध्यम रे आपमनकु जणैबि। त बंधुगण, आउ डेरी न करी जदि आपण माने मो चैनल नुआ करि आछन्ति अथवा मो वीडियो आपण सर्वप्रथमे देखुछन्ति, ताले मो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिया सहित तळे थिबा बेल आइकन को क्लिक कर देबे, जेमति मोर लेटेस्ट रिक्रुटमेंट वीडियो आपण सर्वप्रथमे पाई परिबे। बंधुगण, आसंतु आमे जानिबा डिटेल रिक्रुटमेंट नोटिफिकेशन कौन रही एसबीआई बा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पक्षर आप्रेंटिस पदवी पई रिक्रुटमेंट आसी देखिपारुथिबे आपण डिस्प्ले माध्यम रे। एंगेजमेंट ऑफ आप्रेंटिस अंडर द आप्रेंटिस एक्ट 1961, जो थे एडवर्टाइजमेंट नंबर मध्ये रही, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जो थे स्टार्ट डेट रही अछि 20/11/2020 आरंभ होई, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म रो लास्ट डेट रही अछि 10/12/2020। तो बंधुगण, एठी मध्ये इम्पोर्टेंट रही अछि ऑनलाइन एग्जामिनेशन जोटा जनवरी 2021 संभावना रही अछि। बंधुगण, आसंतु आमे जानिबा केते गोटी वैकेंसी रही, कौ कैटेगरी पई केते वैकेंसी रही। तो बंधुगण, मु जणै देबाकू चाहे टोटल पदवी 8500 गोटी रही अछि, एवं एहा इंडिविजुअल स्टेट पई मध्य वैकेंसी रही अछि। तो बंधुगण, आम ओडिशा स्टेट पई केते वैकेंसी रही अछि, ओडिशा स्टेट पई सर्वमोट 400 गोटी पदवी वैकेंसी रही अछि, जोथिरे एससी पई 64 गोटी, एसटी पई 88 गोटी, ओबीसी पई 48 गोटी, ईडब्ल्यूएस पई 40 गोटी, एवं जनरल पई 160 गोटी वैकेंसी रही अछि। सही पर एलडी वीआई एचआई एवं डीएनई पई मध्य वैकेंसी रही अछि। बंधुगण, याकु डिवाइड कराई एवं डिस्ट्रिक्ट वाइज ट्रेनिंग सेंटर मध्य रखाई, जो थे आपण मानक ओडिशा पई 400 गोटी पोस्ट रही, कौ डिस्ट्रिक्ट रे केते गोटी वैकेंसी रिक्रुटमेंट रहिबो ताहा मध्ये मु आपण मानक वीडियो माध्यम रे जणै दोउछि। ओडिशा पई जो 400 गोटी वैकेंसी रही अछि, सेति मध्येरु कोठी कौ वैकेंसी जथा अनगुळ पई 8 गोटी, बालेश्वर पई 14 गोटी, बरगड़ पई 22 टी, भद्रक पई 9 टी, बलांगीर पई 14 टी ट्रेनिंग माध्यम रे आपण मानक रिक्रुटमेंट दिया छि। बंधुगण, आसंतु आमे जानि नेबा एज लिमिट कौन रहिबा आवश्यक आप्रेंटिस पदवी पई एसबीआई पक्षरु। एज लिमिट रही अछि सर्वनिम्न 20 वर्ष होइतबा आवश्यक एवं सर्वाधिक 28 वर्ष होइतबा आवश्यक 31/10/2020 सुधा, एवं जहां सेंट्रल गवर्नमेंट रूल अनुसार एससी एसटी ओबीसी पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट माने पाइबा कथा ताहा एज रिलैक्सेशन से माने पाई परिबे। बंधुगण, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन कौन आवश्यक रही, ग्रेजुएशन फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट। ता बंधुगण, ओनली ग्रेजुएशन बा प्लस थ्री पास करितबा ही आवश्यक। बंधुगण, आसंतु आमे जानि नेबा दरमा आपण मानको केते मासिक मिलिबो। त बंधुगण, एठि मु कहि रखे 3 वर्षर गोटे ट्रेनिंग एठि आपण मानको रखा जिवो, जोथरे आपण मानको स्टाइपेंड प्रत्येक वर्ष बा फर्स्ट इयर 16500, सेकंड इयर 19000, तापर एज पर जहां स्टेट बैंक अंडर रे आप्रेंटिस मानको दरमा मिले ताहा आपण पाई परिबे। बंधुगण, सिलेक्शन प्रोसेस कोन रहिछि आप्रेंटिस पदवी पई एसबीआई पक्षरु, आसंतु आमे जानि नेबा। तो बंधुगण, सिलेक्शन प्रोसेस रही ऑनलाइन रिटन टेस्ट रहिबो, जोटी 4 गोटी सब्जेक्ट को लेकिन रहिबो। तो बंधुगण, सब्जेक्ट कौन रही, जनरल एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस, जनरल इंग्लिश, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, रीजनिंग एबिलिटी एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड रही अछि, जो थे जनरल एवं फाइनेंशियल अवेयरनेस 25 गोटी रही क्वेश्चन, एवं तापाई 25 मार्क रही अछि, जनरल इंग्लिश 25 गोटी क्वेश्चन 25 मार्क रही अछि, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड 25 टी क्वेश्चन 25 मार्क रही अछि, रीजनिंग एबिलिटी एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड 25 गोटी क्वेश्चन 25 मार्क रही अछि, जो थे नंबर ऑफ क्वेश्चन 100 रही अछि एवं मैक्सिमम मार्क 100 रही। तो बंधुगण, एटी सिलेक्शन प्रोसेस जो ऑनलाइन रिटन एग्जामिनेशन हम इंडिविजुअल सब्जेक्ट पई 15 मिनिट आपण मानको समय मिलिबो, तो टोटल 4 गोटी सब्जेक्ट पई 1 आवर बा 60 मिनिट आपण मानको समय मिलिबो। आसंतु आमे जानि नबा एग्जाम फीस कोन रही अछि। बंधुगण,
କ୍ୟାଟେଗୋରି ୱାଇଜ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ ଫି ରହିଅଛି, ଯଥା ଜେନେରାଲ ଓବିସି ଏବଂ ଇଡବ୍ଲ୍ୟୁଏସ୍ ପାଇଁ 300, ଯେଉଁଟା ନନ୍ ରିଫଣ୍ଡେବୁଲ୍ ରହିଅଛି, ଏବଂ ଏସ୍ଟି ଏସ୍ସି ପିଡବ୍ଲ୍ୟୁଡି ପାଇଁ ଏକ୍ଜାମ୍ ଫି ନିଲ୍ ରହିଅଛି। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏ ଥିଲା ଆଜିର ଡିଟେଲ୍ ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ତରଫରୁ ଆପ୍ରେଣ୍ଟିସ୍ ପଦବୀ ପାଇଁ। ତ ବନ୍ଧୁଗଣ, ସମୟ ବିଳମ୍ବ ନକରି ଆପଣମାନେ ଯଥାଶୀଘ୍ର SBI ସାଇଟ୍ ଯଥା https://www.sbi.co.in ମାଧ୍ୟମରେ କ୍ୟାରିୟରକୁ ଯାଇ, କିମ୍ବା ମୋର ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ ବକ୍ସରେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଲିଙ୍କ୍ ଦେଇଛି, ସେଠି ଯାଇ ମଧ୍ୟ ଫର୍ମ ଆପଣମାନେ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ତ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି ରହୁଛି। ନମସ୍କାର। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।